खबर जनपद श्रावती से, जहां पर एक और विद्यालय में शिक्षा राम भरोसे। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रावती जनपद के विकास क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत ग्राम पंचायत मलिया नारायण के मदरा अमवा में स्थित विद्यालय का। यहां पर किसी हेडमास्टर की तैनाती नहीं है, मात्र एक अनुदेशक के बल पर पूरा विद्यालय चल रहा है। यहां पर कोई टीचर नहीं है। तस्वीरों में आप बखूबी देख सकते हैं कि विद्यालय की स्थिति अत्यंत बदहाल है। किचन अधूरा खंडर पड़ा है, गेट की दीवार टूट गई है, गेट उखड़ा पड़ा है, नल को काफी देर चलाने के बाद पानी का दर्शन होता है। श्रावस्ती नीति आयोग के हिसाब से यहां की शिक्षा जीरो पायदान पर है। पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत ग्राम पंचायत मिलिया नारायण के मजरा अमवा का है, जहाँ पर एक अनुदेशक के सहारे पूरा विद्यालय चल रहा है। पूरी बात जानने के बाद आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर दर्ज बच्चों का भविष्य किस कदर अंधकार में डूबा हुआ है। आप इस विद्यालय में क्या है? रसोईया है। आपके पीछे क्या बना है? बना है अरे खाना बनाना रसोई घर। अच्छा, ये कब से ऐसा बदहाल पड़ा है? ऐसा जब से स्कूलिया चालू भाई है। तो कहाँ बनाती हैं हम लोग खाना? वही रामदा में कमरे में। अच्छा अच्छा, तो कभी शिकायत नहीं करती हैं अब? जवान आप बताए थे, जैसे आप घसाया दिखाए दिन का चले गया, बस काफी यही इतना है, बताओ जिम्मेदारी और बाकी कहाँ हम लोग जानता हूँ ना इनकी, कहाँ जाए कहाँ करी कहाँ ना करी। ना कोई जांच कभी नहीं आता है स्कूल में, नहीं आया है। जांच आया था तब भी हम लोग बताए कि यहाँ पे ये स्थिति है स्कूल का। कोई आ ही जाते जो तो स्कूल में कोई आता नहीं है, तो किससे बताएं हम लोग? ख्याल ही नहीं कर पाए, वहाँ गेट गिरा पड़ा है, न प्रधान ख्याल करे न कोई, तब का इंजन से कहा जाए। देखा जिस जुने हिसाब से चलत है, खाना बनाओ है मास्टर के हैं, कहाँ पर बनाए हम लोग मास्टर का आते, जहाँ इच्छा होता है बनाओ। अब रामरा में बनाया जाते है या कमरे में बनाया जाता है, एक बच्चे आवे चाहे दो आवे चाहे दस। अच्छा, तो फिर नल सही है? नल नहीं सही है। नल भी नहीं सही है? नहीं सही है। तो फिर पानी कहाँ से लाते हैं? पानी बहुत चला, बहुत मेहनत करे पड़ते तभी चलता है, नल बस नहीं चलता है। आप इस विद्यालय में क्या है? हम यहाँ पर अटैचमेंट हमारा है और हम अनुदेशक हैं। अनुदेशक हैं। आपके विद्यालय का क्या नाम है? ये यूपीएस समूह है, लेकिन हमारा जो मूल विद्यालय है यूपी, जहाँ पे आप इस समय हैं, इसका क्या? ये यूपीएस समूह। अच्छा, तो क्या यहाँ कोई वो नहीं, टीचर नहीं है? टीचर यहाँ अप्रैल 19 से नहीं है टीचर, विभिन्न विद्यालय। तो फिर कैसे विद्यालय फिर चलता है? अब हमारे वर्ग पर चलता है, हम अटैच पे हैं, हम ही आते हैं। अच्छा, कितने बच्चे होंगे आपके विद्यालय में इस समय? वर्तमान में तो बच्चे हैं 42 बच्चे हैं। तो जब टीचर जब नहीं है तो बच्चों को शिक्षा कैसे मिलती है? अब अकेले हम जो दे पाते वही देते हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि आपके विद्यालय का जो ये जो दुर्दशा है, बदहाल है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या, बच्चे यहाँ सब देखिए गेट टूटा हुआ है, फर्श भी, यहाँ बच्चे भी अगर गेट से आते हैं बच्चे तो फर्श तोड़ दिए हैं सब। आपके विद्यालय का किचन जो है वो बदहाल है, काफी सालों से वो पड़ा हुआ है। जब से आए हैं तब से देखो उसकी स्थिति ऐसी ही पड़ी। तो फिर भोजन कहाँ बनता बच्चों के लिए? भोजन हम इसी कमरे में बनवाते हैं, एक कमरे में। शिकायत नहीं की कभी आप? शिकायत तो बराबर जाती है, लेकिन अब आते हैं लोग, अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं व्यवस्था। ये तो 3 साल से ही व्यवस्था चल रही है, बदहाल है व्यवस्था, शिक्षक भी नहीं है, टीचर नहीं आएगा, यहाँ तक व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाएगी।